निरपक्षवादी पंजाब हरियाणा हिमाचल खिलाफ एससीपीसी की अंतरिम कमेटी ने पास किया मता। पंथ विरोधी गतिविधियां विखाने के इल्जाम लाए। पंजाब सरकार के गुंडा टैक्स से सख्ती के फैसले से गरमाई सियासत। सुखपाल खैरा ने ट्वीट राही सरकार के निशाने लाए। सिद्धू ते सुखबीर बादल विचकार शब्द की जंग से लोक इंसाफ पार्टी प्रधान सिमरजीत बैंस ने दोवां आगुआं वालों वरती जा रही शब्दावली से इतराज जताया। मुक्तसर शहर के इतिहासिक गुरुद्वारे रकाबसर साहब विखे बेअदबी का मामला सामने आया। गुरुद्वारे के सरोवर में धार्मिक ग्रंथ से मिले अंक श्रद्धालुओं में रोस। अज तो 7 दिन के भारत दौरे लई रवाना हुए कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 3:50 से पहुंचेंगे दिल्ली। ट्रूडो के भारत दौरे में खालिस्तान का मुद्दा चुकने की उम्मीद। भारत कैनेडा में खालिस्तान हिमायती गतिविधियां से चिंता जाहिर कर सकता है। रूहानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ते विदेश मंत्री नाल भी मिलणगे। व्यापार ते निवेश वधाउण दे अलावा खेतरी ते कौमांतरी मुद्दियां ते भी चर्चा होवेगी। अज लुधियाणा कोर्ट में हुई आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह दी पेशी। नशे का सौदागर दसन से अकाली दल के एमएलए विक्रम अजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ दाखिल किया मानहानि का केस। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक 5 मार्च तो विधानसभा का बजट सेशन होगा शुरू। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में 200 मेडिकल अफसर की पोस्ट भरने मंजूरी दी गई है। पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के फरार होने तो बाद हमलावर है विरोधी धिर। मोदी उपनाम को आधार बना के विरोधी धिर सरकार से तंज कस रहा है। गुरदासपुर में पावरकॉम ने डिफॉल्टर्स से शिकंजा कसिया। बिजली के बिलों का भुगतान ना करन ते 3 सरकारी विभागों के कनैक्शन कटे। नर्सिंग कॉलेज के होस्टल से लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस की बत्ती गुल की गई। पीएनबी महाघोटाले में पहली गिरफ्तारी रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी गिरफ्तार। फाजिलका की विद्यार्थन नाल झारखंड की राजधानी रांची में चलती ट्रेन में होया गैंगरेप। पीड़िता वालों खुदकुशी की कोशिश के बाद होया खुलासा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फरीदकोट की मॉडर्न जेल में एक हवालाती ने फा ला के खुदकुशी की। राहुल ना का हवालाती थोड़े दिन पहला ही लड़ाई झगड़े के मामले में जेल आया। मोगा में सिक्ख्या विभाग के दफ्तर में ड्यूटी दौरान दारू पार्टी करते नजर आए सरकारी मुलाजम। कैमरा वेख के भजन लगे। गुरदासपुर में ठेका मुलाजमान ने मुख्यमंत्री मलाओ इनाम पाओ के नाते पंजाब सरकार खिलाफ अपनी मंगा लैके मुजाहरा किया। पठानकोट में लक्कड़ माफिया की हुण खैर नहीं। जंगलात विभाग वालों लक्कड़ समगलरस फड़न लई वरती जाएगी आधुनिक तकनीक। सरकारी स्कूलों में बने बच्चों के सर्व सिक्ख्या अभियान के तहत सरकारी ग्रांट ना मिलन करके बच्चों नहीं मिल रहा खाना। पंजाब में बढ़ रहे नशे ते पंजाबी गाने विच गैंगस्टर शराब वर्गे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर पंजाब पुलिस गायकों अपील कर रही है। उत्थे संगरूर में 70 साल के बुजुर्ग ने अपनी आवाज बुलंद कर लोगों को जागरूक करने लिए साइकिल यात्रा कढ़ी है। सिक्ख्या विभाग वालों प्राइमरी स्कूलों में हुण प्री नर्सरी क्लास की शुरुआत की गई जिस दे वजह नाल सूबे विच सारे प्राइमरी स्कूलों के टीचरों नूं छोटे बच्चों किवें पढ़ाना है सिखाना है उसकी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। हरियाणा के मजदूर तबके को 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। सरकार ने अंत्योदय आहार योजना के तहत कैंटीन खोलनी शुरू कर दी है। फतेहाबाद में एक नौजवान को दाज में लंगूर लेना महंगा पिया। जंगलात विभाग ने दर्ज किया मामला। धार दे ग्राम धार दे पिंड धाणी में सिख नौजवान की मिली लाश। पुलिस को सूचना मिलने तो बाद मौके पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम लई भेजी गई है। लाश मृतक नौजवान मुंबई निवासी दसिया जा रहा है। हिमाचल में इको फ्रेंडली टैक्सियां की हुई शुरुआत। सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरी झंडी विखाई।